हम सब लोग भिंडी को नए नए तरीक़ों में बनाते रहते हैं, बट आज आपके लिए बहुत ही आसान तरीके में बहुत ही मज़ेदार सी मसाला भिंडी की रेसिपी को शेयर करने वाली हूँ। बिना देरी के चले जान लेते हैं रेसिपी को। और हाँ, रेसिपी को देखने से पहले चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल को दबा दीजिए, जिससे मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इसको बनाने के लिए पैन में मैंने 1 टेबलस्पून जितने तेल को डाल लिया था, तेल के गर्म होने के बाद इसमें मैंने डाल लिया है 1 टीस्पून जितने ज़ीरे को। ज़ीरे के चटकने के बाद इसमें डाल दीजिए 1 फाइनली चॉप की हुई प्याज को। प्याज को डालने के बाद बस इसको 1 मिनट के लिए हिलाते हुए सॉर्ट कर लीजिए। इसको सॉर्ट कर लेने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून जितने अदरक और लहसुन के पेस्ट को। और इस अदरक और लहसुन के पेस्ट को बस 1 मिनट के लिए सॉर्ट कर लीजिए, जब तक इसकी रॉ स्मेल ना चली जाए। और उसके बाद थोड़े से स्पाइसेस मैं इसमें डाल रही हूँ, जिसमें मैं ले रही हूँ 1 स्पून जितने धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जितने लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून जितनी हल्दी और साथ ही 1 स्पून जितने गरम मसाला। तो डाले हुए सारे चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और उसके बाद इसमें डाल रही हूँ 1 बड़े साइज़ के फाइनली चॉप किए हुए टमाटर को। टमाटर को डालने के बाद एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मिक्स कर लेने के बाद इसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। फिर से एक बार मिक्स कर दीजिए। और उसके बाद अब हमें टमाटर को पकाना पड़ेगा, तो इसमें मैं डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच जितने पानी को डालकर अब इसको लिड के साथ कवर करके टमाटर हमारे पूरी तरीके से सॉफ्ट होने तक हमें पकाना पड़ेगा। तो मैंने इसको लिड के साथ कवर कर लिया है और बस 2 मिनट के लिए इसको पका लिया है। आप देख सकते हैं 2 मिनट बाद हमारे टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हमें इसमें हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालना होगा, वो है मैगी मसाला। तो 1 स्पून जितने मैगी मसाला को मैं इसमें डाल रही हूँ। वैसे हम सबको तो पता ही है कि मैगी मसाला जब हम लोग डिशेस में डालते हैं तो उसका टेस्ट कितना ज़्यादा उभर के आ जाता है। तो आप भी, आपके पास अगर मैगी मसाला हो तो आप उसको ज़रूर इसमें डाल लीजिए। अगर ना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको स्किप भी करके बना सकते हैं। सेम प्रोसेस में इसको डालकर उसको अच्छे से मिक्स करके बस 1 मिनट के लिए और पका रही हूँ मैं। और उसके बाद यहाँ पर 250 ग्राम जितनी भिंडी को लेकर मैंने इस तरह से कट कर लिया है। इस तरह की शेप में मैंने भिंडी को कट करके रख लिया है। आप यहाँ पर हमारे इस मसाले में उस भिंडी को डाल दीजिए। हमारे टमाटर जो है वो पूरी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं, तो अब इसमें कट किए हुए भिंडी को डालकर एक बार अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मिक्स कर लेने के बाद अब हमें इसको पकाना होगा। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ बस 1/4 कप जितने पानी को। बस थोड़ा सा पानी आप इसमें डाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ग्रेवी नहीं बना रहे हैं, बस थोड़ा सा फ्राई के टाइप में हम लोग इसको बनाने वाले हैं। पानी को डालने के बाद इसको लिड के साथ कवर करके 3 से 4 मिनट तक बीच बीच में 2 से 3 बार हिलाते हुए हमें इसको पकाना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा हिला देंगे हम पर इसको तो भिंडी का जो शेप है वो ठीक से नहीं आएगा। तो इस तरह से इसको पका लीजिए। आप देख सकते हैं हमारी भिंडी भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी थी। फाइनली थोड़े से फाइनली चॉप किए हुए हरे धनिए को डालकर इसको आप गर्मा गर्म सर्व कीजिए। आप चाहे तो इसको राइस में साइड डिश की तरह सर्व कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल चपाती के साथ भी इसको आप सर्व कर सकते हैं। आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपका फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए बता दीजिए। और हाँ, रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर इसको शेयर करके। और भी इंटरेस्टिंग रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए बेल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।